वेलकम अगेन दोस्तों, आई एम अमित कुमार। दिस इज द वीकली करंट अफेयर्स ऑन पढ़े चलो, दैट इज माय चैनल। एंड हियर वी आर डिस्कसिंग द सेकंड पार्ट ऑफ द अगस्त सेकंड वीक इंपॉर्टेंट न्यूज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस एग्जामिनेशन। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इफ यू वॉच दिस वीडियो वन टाइम कम्प्लीटली, आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू विल नॉट नीड टू रीड एनी करंट अफेयर्स बुक। आफ्टर वीडियो प्लीज चेक द गिवन बिलो लिंक ऑफ द वीडियो where PDF of this discussion is available also, and please don't forget to subscribe my channel Padhe Chalo. Thank you, and let's discuss the news of the second part of the August second week. ठीक है दोस्तों, नजीम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नजीम सेठी के फोटो दे सकते हैं आप। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 9 अगस्त 2017 को नजीम सेठी को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। दोस्तों, नजीम सेठी को अगले 3 वर्षों के लिए सर्वसम्मति से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगला अध्यक्ष चुना गया है। पाकिस्तान सुपर लीग के चेयरमैन नजीब सेठी को यहां राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में हुए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। वह बोर्ड अध्यक्ष पद पर शहरयार खान की स्थान लेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट रिश्ते बहाल करने की कोशिशों में पूर्व अध्यक्ष शहरयार खान नाकामयाब रहे, जिसे ये कामयाब करने की कोशिश करेंगे। अब नए निर्वाचित पीसीबी चेयरमैन के ऊपर दोनों देशों के बीच सीरीज कराने का दबाव रहेगा। बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक गुहार लगाने के बाद भी पूर्व अध्यक्ष दोनों देशों के बीच तैसरी नहीं करवा पाए हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। इनका 9 अगस्त 2017 को अपॉइंटमेंट हुआ, 3 साल के लिए रहेंगे, शहरयार खान का स्थान लेंगे। शहरयार खान जो है नाकामयाब रहे, जिसका करेंगे ये कामयाबी। ठीक है, ये जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के। ठीक है, अगली न्यूज है आर्टिकल 35 के बारे में। आर्टिकल 35 दोस्तों क्या है, जम्मू कश्मीर को भारत के विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। यह दर्जा संविधान के अनुच्छेद 35A एवं 370 द्वारा प्रदान किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विशेष दर्जे को हटाने अथवा बनाए रखने के लिए चर्चा आरम्भ की गयी। संविधान का यह प्रावधान राजनीतिक विवाद का केंद्र भी रहा है। दोस्तों, यह एक अस्थायी अनुच्छेद है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर समाप्त भी किया जा सकता है, इसलिए कुछ राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध भी कर रही हैं। अनुच्छेद 35A को मई 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद क्या है, जम्मू कश्मीर विधानसभा को स्थायी नागरिकता की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है, यानी कि जम्मू कश्मीर के निवासी अपनी जमीन को किसी और को नहीं बेच सकते, किसी और दूसरे स्टेट के लोगों को नहीं बेच सकते। राज्य जिन नागरिकों को स्थायी घोषित करता है, केवल वही राज्य में संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरी प्राप्त करने एवं विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार रखते हैं। कोई और भी वहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यदि जम्मू कश्मीर का निवासी राज्य से बाहर किसी व्यक्ति से विवाह करता है, तो वह नागरिकता अपनी खो देगा, यानी कि जम्मू कश्मीर की नागरिकता खो देगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या वो है। जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ऑन 7th of August 2017 मेट पॉलिटिकल राइवल नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला टू सीक हिज सपोर्ट इन प्रिवेंटिंग द रिवोकेशन ऑफ 35A बाय यूनियन गवर्नमेंट। यानी कि इन दोनों ने इसको, महबूबा मुफ्ती ने और इनके फारूक अब्दुल्ला, इसको प्रिवेंट करने की कोशिश की। ठीक है, आर्टिकल 35A एम्पावर द जम्मू कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑफ द स्टेट एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ दीज परमानेंट रेजिडेंस। ये 35A के बारे में दिया है। यहाँ पर 35 मैंने इसका देखिए फोटो देख सकते हैं आप इसका। ठीक है दोस्तों, क्या है, इस विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती, इस विशेष दर्जे के कारण। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के पास जो है दोहरी नागरिकता होती है, एक तो भारतीय नागरिकता और एक खुद की जम्मू कश्मीर की नागरिकता, और जबकि भारत में रहने वाले अदर स्टेट्स में रहने वाले के पास केवल एकल नागरिकता होती है। भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट गिव्स द प्रिविलेज्ड जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर का राष्ट्र ध्वज अलग है और वहां के नागरिकों द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य नहीं है। ये देखो कितनी कितनी बड़ी खास बात है, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो है राष्ट्र ध्वज भी अलग है, और उन लोगों को यह भी जरूरी नहीं कि वो इंडिया के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें या नहीं करें। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज जो है, उत्तर प्रदेश में 1000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र खोलने हेतु समझौता किया गया है। ठीक है,
1000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र इन यूपी। इससे क्या होगा, गरीब लोगों को जेनरिक दवाइयां उपलब्ध होंगी बहुत ही कम दामों पर, जिससे कि गंभीर से गंभीर बीमारियों का कम से कम दाम में इलाज हो सके। ठीक है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1000 प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना केंद्र खोलने की घोषणा की है। इस संबंध में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत भारत के फार्मा ब्यूरो PSU ने भारत सरकार की तरफ से तथा उत्तर प्रदेश सरकार के व्यापक स्वास्थ्य और एकीकृत सेवा राज्य एजेंसी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लखनऊ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग नौवहन और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख लाल मंडवीय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख लाल मांडवीय ने राज्य के प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री जन औषधि इस परियोजना जो है भाजपा से संबंधित को यहाँ पर देख सकते हैं आप, भाजपा भारतीय जन औषधि परियोजना समाज के निर्धन और वंचित लोगों को सस्ती और श्रेष्ठ दवाइयां उपलब्ध कराना है। इसके अंदर ज्यादा ये उपलब्ध दवाएं उच्च गुणवत्ता के मानदंडों को पूरा करती हैं। योजना के अंदर उपलब्ध दवाएं जो है सरकार द्वारा महंगी बड़ी कंपनी की तुलना में बहुत कम कीमत पर उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में, डिस्कस कर लेते हैं। एम क्या है इसका, टू प्रोवाइड जेनेटिक मेडिसिन टू पुअर एंड डिप्राइव्ड पीपल, गरीब और निर्धन लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस प्लान द मेडिसिन आर बेस्ट क्वालिटी, ओके, मेडिसिन विल बी वेरी चीप एज बिग मेडिसिन कंपनी प्रोवाइडेड ऑन हाई रेट। ठीक है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी में महंगी मिलती है वो जेनरिक दवाइयाँ बहुत सस्ती दामों पर मिलेंगी, कितनी अच्छी बात है। तब दिस प्रोग्राम सोज द नेम ऑफ द बीजेपी, बीजेपी का नाम जैसे मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री बीजेपी PM बीजेपी। वेरी सून मेडिसिन नो विल इंक्रीज इन 1000, यानी कि मेडिसिन की संख्या जो है 1000 हो जाएगी बढ़कर। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग हेल्प ऑफ 2 लाख फॉर ओपनिंग द सेंटर, यानी कि कोई भी अगर सेंटर खोलना चाहता है तो गवर्नमेंट इसको 2.5 लाख रुपए का हेल्प कर रही है। ठीक है, अगली न्यूज दोस्तों, फीफा रैंकिंग में भारत के 97वें स्थान आ गया, 97 रैंक आ गई है। ठीक है, ये 10 अगस्त को हुआ, लास्ट मंथ इसकी जो रैंक थी वो 96 रैंक थी। ब्राजील लोग टॉप पोजिशन पे है, ये भारत की फुटबॉल टीम है। ठीक है, फीफा रैंकिंग में दोस्तों भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम एक नीचे स्थान घिसक गई है, देखो कितनी बड़ी बात है, पहले 96 रैंक थी, 97 रैंक। अगली न्यूज देखिए, पंचेश्वर डैम परियोजना से संबंधित है। पंचेश्वर बांध परियोजना क्या है दोस्तों, मैं इसके बारे में बता दूं आपको। उत्तराखंड में वर्ष 2018 से पंचेश्वर बांध का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा 9 अगस्त 2017 से जन सुनवाई आरंभ की गई, जिसमें बांध निर्माण को लेकर लोगों की शिकायतें सुनी गई। पंचेश्वर बांध काली यानी कि महाकाली नदी पर बनाया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के 33,000 से लोग अधिक प्रभावित होंगे। महाकाली नदी कहाँ से बहती है, नेपाल से। यह बांध उत्तर भारत की विद्युत आपूर्ति में सहायक सिद्ध होगा। सर्वप्रथम क्या है, 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने पंचेश्वर बांध बनाए जाने की चर्चा की थी। उस समय विभिन्न मौकों पर इस बारे में बात होती रही है। यह बांध नेपाल से आने वाली महाकाली नदी और भारत की शारदा नदी पर बनेगा, जो महाकाली नदी भारत में शारदा नदी बन जाती है आगे। इसका अंतिम रूप देने के लिए अगस्त 2014 में भारत और नेपाल सरकार द्वारा संयुक्त रूप से पंचेश्वर बांध प्राधिकरण का गठन किया गया था। सचिव जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार और सचिव पर्यावरण नेपाल सरकार द्वारा संयुक्त रूप से सामान्य सभा की अध्यक्षता की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका लाभ क्या है, पंचेश्वर बांध से भारत को 4800 मेगावाट की बिजली आपूर्ति होगी। इस तरह के दूसरे छोटे बांध रूपाली गाड़ से 240 मेगावाट की बिजली प्राप्त होगी। बांध की ऊंचाई 311 मीटर होगी, जबकि रूपाली गाड़ की ऊंचाई 95 मीटर होगी। बांध पर जाने वाली झील 116 वर्ग किलोमीटर में फैली होगी। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा। पहले स्थान पर कौन सा बांध है, संघाई का 3 यार्ड्स डैम बांध है। ठीक है, स्थानीय नागरिकों और समाज सेवियों ने कहा कि इस बांध परियोजना से 134 गांव प्रभावित होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जो पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो तो डिस्कस कर लेते हैं। कहानी मैंने आपको बताई थी, इट इज प्रपोज्ड टू मेकिंग ए डैम इन उत्तराखंड इन 2018। इट विल बी डेवलप्ड ऑन काली रिवर एंड 33,000 पीपल विल बी अफेक्टेड। ठीक है, दिस डैम विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ईस्ट इंडिया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि पूरी भारत के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा
महत्वपूर्ण बांध महाकाली रिवर कम्स फ्रॉम नेपाल एंड इंडिया इट इज नोन एज शारदा। नेपाल में महाकाली के नाम से जानती है और इंडिया में शारदा नदी के नाम से। डैम इज टू बी मेड महाकाली रिवर ऑन द नेपाल एंड शारदा रिवर इन इंडिया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है आप यहाँ देख सकते हैं, ये दोस्तों चंपावत है, यहाँ पंचेश्वर बांध बनाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो नदी बह के आ रही है ये महाकाली नदी है, इस नदी में बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अगली नदी, अगली जो खबर है उसके बारे में, मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान, इनका नाम है रूथ पफा। ठीक है, ये पाकिस्तान की मदर टेरेसा के नाम में जाना जाता है, इनका निधन हो गया है, इसके बारे में खबर है, क्योंकि इन्हें जो पाकिस्तान की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। इनका ये डॉक्टर रूथ फा है, 88 वर्ष की इनकी उम्र थी, और कराची के अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन पाकिस्तान में कुष्ठ रोग यानी कोढ़ी रोग के उन्मूलन के लिए काम करते हुए बताया। डॉक्टर फले भले ही जर्मनी में पैदा हुई थी, लेकिन उनका दिन हमेशा पाकिस्तान में रहा। दोस्तों डॉक्टर फा ने 1960 में पाकिस्तान में कुष्ठ रोग पहली बार देखा, और उसके बाद वह देश भर में क्लिनिक स्थापित करने का मकसद लेकर लौटी। डॉक्टर रूथ फा को प्रयासों की बदौलत 1996 में पाकिस्तान में यह घोषणा की जा सकी, अब बीमारी नियंत्रण की जा सकी है। ठीक है, उन्होंने उन्हें पाकिस्तान ने कई सारे अवार्ड भी दिए हैं। वो पाकिस्तान में जो गई थी कुष्ठ रोग को निपटाने गई थी, और वहीं क्यों करेगी। ठीक है, इस नॉन तो पाकिस्तान मदर टेरेसा, शी डाइड ऑन 11th अगस्त 2017, शी वाज 87 इयर्स ओल्ड, शी स्पेंट हर होल लाइफ टू सर्विंग लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग पेशेंट इन पाकिस्तान। डॉक्टर फा वाज बोर्न जर्मनी, बेसिकली जर्मनी की थी, बट हर हार्ट अटैक पाकिस्तान। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, अगली खबर जो है वो फ्लैंगशिप के बारे में है। फ्लैंगशिप वो आप सब जानते हैं, मिल्खा सिंह को फ्लैंगशिप के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान इनको नाम दिया था फ्लैंगशिप। ठीक है, इनके ऊपर एक फिल्म बनी है, भाग मिल्खा भाग, वो जरूर देखिएगा। WHO ने सद्भावना दिवस नियुक्त किया, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कौन से दिन को किया, 12 अगस्त 2017 को। देश के महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में फिटनेस संबंधी गतिविधियों से सद्भावना दिवस नियुक्त किया है। फ्लैंगशिप के नाम से विख्यात है ये। ठीक है, WHO सीयर की गैर संक्रामक बीमारियों से बचाव और उन पर काबू पाने की योजनाओं को प्रचार करेंगे ये। WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक पूनम क्षेत्रपाल के अनुसार स्वास्थ्य हेतु फिटनेस संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना आवश्यक है। मिल्खा सिंह जैसे महान एथलीट के इससे जुड़ने से और कमाई मिलेगी। ठीक है, फॉर्मर इंडियन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर हु वाज इंट्रोड्यूस्ड टू स्पोर्ट व्हाइल सर्विंग इन द इंडियन आर्मी, ये इंडियन आर्मी में सेवा की थी। He was the only Indian, ये basically पाकिस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन भारत विभाजन के वक्त ये इंडिया आ गए थे और आर्मी में भर्ती हो गए थे। बहुत ज्यादा कष्ट झेलने के बाद ये इस मुकाम पर पहुंचे थे। ठीक है, He was the only Indian athlete to win an individual athlete gold medal to at Commonwealth Games until Krishna Punia, who won the discus gold medal at the 2010 Commonwealth Games, यानी कि कृष्णा पुनिया ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीता था, लेकिन ये पहले ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड जीता। ठीक है, ही आल्सो वॉन द गोल्ड मेडल इन 1995 एंड 1962 एशियन गेम्स। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द ईयर 1956 समर ओलंपिक्स इन मेलबर्न, 1960 समर ओलंपिक्स। दोस्तों इनके ऊपर एक फिल्म बनी है, भाग मिल्खा भाग, इरफान अख्तर इनके शायद, उनका नाम इरफान अख्तर है, उन्होंने ये फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी फिल्म है, देखिएगा इनको। ही विल प्रमोट रेस्क्यू एंड मेजर फॉर द नॉन इन्फेक्शन डिजीज। ठीक है, मिल्खा सिंह की फोटो। अब डॉक्टर प्रसून जोशी के बारे में, प्रसून जोशी में क्या, केंद्र सरकार ने प्रसून जोशी को केंद्रीय फिल्म परमानेंट बोर्ड का अध्यक्ष किया गया है, यानी कि सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है इनको। ठीक है, प्रसून जोशी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ऑन 11th अगस्त 2017। ही इज अपॉइंटेड फॉर 3 years, 3 साल के लिए बनाया इनको। ये पहला जिलानी का स्थान लेंगे। इन 2014 इलेक्शन परसून मेड ए सॉन्ग फॉर बीजेपी, झुकने नहीं दूंगा। ठीक है, इन्होंने बीजेपी के लिए 2014 के इलेक्शन में एक सॉन्ग बनाया है जिसका नाम है झुकने नहीं दूंगा। ठीक है, अगली न्यूज दोस्तों क्या है, केंद्र सरकार ने लोकसभा में श्रम विधेयक पेश किया, यानी कि लेबर अमेंडमेंट एक्ट पेश किया, लेबर एक्ट को इन्होंने अमेंड किया, उसे पेश किया। केंद्र सरकार ने 10 अगस्त 2017 को लोकसभा में
श्रम संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक द्वारा देश के असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह विधेयक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी श्रेणी के 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने में सहायक सिद्ध होगा। यह कार्य केंद्र सरकार के स्तर पर किया जाएगा। इस विधेयक के एक प्रावधान में के अनुसार क्या है दोस्तों, यदि श्रमिक को तयशुदा रकम से कम वेतन दिया गया तो उसके मालिक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा जाएगा। यदि मालिक द्वारा 5 वर्ष के दौरान ऐसा फिर किया गया तो 1,00,000 रुपए का जुर्माना और या 3 महीने कैद या दोनों सजाएं एक साथ देने का प्रावधान भी है। इसका निर्धारण एक पैनल करेगा जिसमें नियोक्ता श्रमिकों के प्रतिनिधियों के अलावा स्वतंत्र लोग भी शामिल होंगे। यदि श्रमिक जो है यानी कि लेबर जो है दैनिक वेतन भोगी है डेली वेजेज है तो उसे श्रमिक की शिफ्ट समाप्त होने पर उसे परिश्रामिक भुगतान दिया जाना चाहिए। मासिक वेतन भोगी को प्रत्येक माह के 7 तारीख को वेतन देना होगा। ये सब इसके अमेंडमेंट है, ठीक है, पॉइंट्स हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज प्रपोज्ड ऑन 10th of August 2017 एंड इट इज ए भोग इन बिटवीन इरेगुलर एम्प्लॉयज इन द फैक्ट्रीज। ठीक है, एक उम्मीद की किरण है। If the employer give the less money according to the contract, it will be fine of raise 50,000 of employer. ठीक है, 50,000 का जुर्माना होगा। If employer do it again in next 5 years, it will be fine of raise 1,00,000 and 3 months prison or both. यानी कि 1,00,000 रुपए का फाइन होगा यदि 5 साल में ऐसा करता है तो, या 3 महीने की सजा या दोनों हो सकते हैं। It will be determined by the panel where employers representative of the workers besides independent people will also be involved. ठीक है, salary will be paid 7th date of every month. If the employee is dismissed or resigned, that it would be paid his total due of within 2 days. यानी कि यदि किसी employee को dismiss किया जाता है यदि या फिर वो resign दे था तो 2 दिन के भीतर उसकी total due payment हो जानी चाहिए। ऐसा इस amendment act में निर्धारण है। ठीक है दोस्तों, एक गंभीर समस्या और गंभीर विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, चौपदी प्रथा। नेपाल में है ये, ठीक है दोस्तों। चौपदी प्रथा के बारे में मैं क्या बताऊं, नेपाल में इतनी गंदी प्रथा चलाई जा रही है। ये इसमें क्या होता है, ये पुराने हिंदू प्रथा है। जब देख सकते हैं महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली में ये महिलाएं, इनको पीरियड्स हैं यानी कि हर महीने होने वाली ऋतु धर्म की प्रक्रिया से पीड़ित हैं। महिलाओं को होती है हर महीने एमसीज, जिसे एमसी बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स बोलते हैं। तो इस दौरान क्या है, इन महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और एक ऐसी गंदी जगह रहने के लिए मजबूर किया जाता है ये मानकर कि ये इस दौरान अपवित्र हो जाती है। कितनी गंदी लोगों की सोच है। मतलब क्या है ये, एक मानवता का या एक ह्यूमन प्रक्रिया है, मानवता की प्रक्रिया है और ये सभी को होती है। ये इट्स नेचुरल, इट्स नॉट अ डिफॉल्ट ऑफ एनी गर्ल और एनी वुमन। इट इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ एनी वुमन और एनी गर्ल। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट शुड बी एक्सेप्टेड फॉर एवरी पर्सन ऑन एवरी ईच ईच सोसाइटी। ठीक है, देखिए कितनी बुरी तरह आप देख सकते हैं, छोटे छोटे घर बने हुए इसमें रहने की मजबूरी, कई कई कभी कभी तो ऐसी स्थिति में इन महिलाओं की मौत भी हो जाती है। ठीक है, नेपाल की संसद ने वर्षों पुरानी उस हिंदू प्रथा पर रोक लगा दी जिसके तहत पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अपवित्र मानकर उनके घर से बाहर रहने के हेतु मजबूर किया जाता था। अब ऐसा करने पर आरोपी को 3 महीने की जेल या फिर 3,000 रुपए के जुर्माने के तौर पर देने होंगे। इस प्रथा का नाम चौपदी प्रथा है। ठीक है, वर्ष 2016 में चौपदी प्रथा का पालन करते हुए 2 किशोरियों की मौत हो गई जिस कारण नेपाल की संसद ने फैसला लिया। चौपदी प्रथा के तहत महिलाओं को पीरियड्स के दौरान घर बाहर रहना पड़ता है। नेपाल में पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अपवित्र माना जाता है। ठीक है, वो कहते हैं कि ऐसा करने से इस दौरान जो महिलाएं गंदी हो जाती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए कुछ लोगों ने झोपड़ियां बना रखी है जहां पर महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सोने के लिए भेजा जाता है। इन झोपड़ियों में महिलाओं को बहुत कम चीजें मिलती हैं और कभी कभी इन झोपड़ियों को कई महिलाएं भी शेयर करती हैं। इन झोपड़ियों में रहने वाली महिलाओं को ना तो खाना बनाने दिया जाता है और न ही ये महिला एक घर के किसी दूसरे सामान को छू सकती हैं। इस दौरान महिलाओं को उनके अलग बर्तन दिए जाते हैं जिसमें वो खाना खाती हैं। नेपाल नहीं बल्कि भारत के कुछ पहाड़ी इलाकों में भी इस प्रथा को माना जाता है और बड़े सख्त नियमों से इसका पालन किया जाता है। नए कानून के तहत क्या है, यदि किसी महिला को पीरियड्स के दौरान बाहर रखने के लिए मजबूर किया तो आरोपी को 3 महीने की जेल या फिर 3,000 रुपये जुर्माना दोनों देने होंगे। ठीक है, इनको मिलनी चाहिए सजा। ओल्ड हिंदू प्रैक्टिस इन नेपाल। ठीक है,
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फीमेल एज्यूमिंग एम्प्योर दे आर फोर्स टू स्टे ऑफ द हाउस। ठीक है, एम्प्योर इम्प्योर में आया था, क्या है कि इम्प्योर यार, ये तो नेचुरल प्रोसेस। नाउ द एक्चुअल हैव टू पे 3000 रुपीज एज ए फाइन और 3 months प्रिजन, जैसे कि मैंने आपको बताया। इन द ईयर 2016 इन डूइंग सो टू टीनेजर्स डाइड ड्यू टू व्हिच द पार्लियामेंट ऑफ नेपाल डिसाइडेड टू एंड दिस प्रथा। दिस प्रैक्टिस नोन एज चौपदी। अकॉर्डिंग टू दिस वुमेन आर एम्प्योर एंड हैव टू आउट ऑफ हाउस। फॉर दिस वुमेन मैनी हर्ट्स आर मेड ड्यूरिंग पीरियड। देख सकते हैं आप कितनी बुरी स्थिति है नेपाल को, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। We are with you Nepal, good decision। ठीक है, अगली जो खबर है सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। ये नीट के बारे में है। नीट परीक्षा में प्रश्न पत्र केवल प्रत्येक भाषा में एक समान होना चाहिए। एक्चुअली में क्या था, जिन लोगों ने परीक्षा दी थी उन्होंने क्या था, अपने रीजनल भाषा में और अंग्रेजी भाषा में कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि हमारे रीजनल भाषा में परीक्षा जो टफ थी और अंग्रेजी भाषा में जो थी आसान थी। और अंग्रेजी भाषा ने जिन्होंने एग्जाम दिया था उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा में आसान था और ओरिजिनल लैंग्वेज में अंग्रेजी भाषा में मुश्किल था और ओरिजिनल भाषा में आसान था, यानी कि जस्ट अपोजिट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सभी का लेवल जो सेम होना चाहिए, यानी कि परीक्षा बिल्कुल सेम होनी चाहिए। बेशक आप उसमें बेशक भाषा अलग हो लेकिन परीक्षा बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त 2017 को फैसला लिया। इस सुनवाई के बाद सीबीएसई को आदेश दिया कि प्रत्येक भाषा ओरिजिनल लैंग्वेज में तैयार किए गए प्रश्न पत्र एक जैसे होने चाहिए। इस मामले में मुदरी बेंच में छात्रों ने याचिका दायर की थी। याचिका में छात्रों द्वारा कहा गया कि रीजनल लैंग्वेज में पूछे गए सवाल अंग्रेजी लैंग्वेज में पूछे गए सवालों की अपेक्षा आसान थे। दूसरी याचिका गुजरात हाईकोर्ट में दायर की गई जिसके अनुसार गुजरात में पूछे गए सवाल अंग्रेजी के मुकाबले कठिन थे। ठीक है, अब सीबीएसई का तर्क दे दिया। इसके अनुसार सीबीएसई ने कहा कि इस मामले में सभी पेपर को मॉडरेटरों ने तय करके एक ही लेवल का तैयार किया था। बोर्ड ने सभी लैंग्वेज में पेपर का डिफिकल्टी लेवल एक जैसा निर्धारित किया था। मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर रिजल्ट पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट परीक्षा परिणाम रोकने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा के नतीजों को रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इससे एग्जाम पास करके प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करने वाले 6 लाख छात्र प्रभावित होंगे, लेकिन आगे से जो है वो सब जो है लेवल एक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल रिलीज किया जाए इसका रिजल्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू सीबीएसई ऑन 10th of August 2017 दैट एवरी क्वेश्चन पेपर शुड बी सेम इन एवरी लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज। इन दिस मैटर स्टूडेंट्स ऑफ मदुरई फाइल्ड अ रिट अगेंस्ट सीबीएसई। ठीक है, स्टूडेंट सेज इन डिफरेंट रिट्स दैट मेनी क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट इन रीजनल लैंग्वेज इन रेस्पेक्ट टू इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया। अब देखो दोस्तों ये क्या है, केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी 2000 करोड़ रुपए की 10 नमामि गंगे परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 5वीं बैठक में कार्यकारी समिति ने बिहार पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में लगभग 2033 करोड़ रुपए की लागत की 10 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इन 10 परियोजनाओं में से 8 परियोजनाओं जलमल बुनियादी ढांचा और शोधन से संबंधित हैं, 1 परियोजना घाट विकास और 1 अन्य परियोजना गंगा ज्ञान केंद्र से संबंधित है। इसके अलावा जैवोपचारण विधि का उपयोग करके नालों के शोधन की 2 परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की गई। पटना में दानापुर नाला और इलाहाबाद में नेहरू नाले को इस प्रौद्योगिकी द्वारा करीब 2.25 करोड़ रुपए की अनुमति अनुमानित लागत से परिशोधन किया जाएगा, जबकि सभी परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा 70% वित्त पोषित होंगी, सेल्फ फाइनेंस्ड होंगी, फुल फाइनेंस्ड होंगी। ठीक है, लेट्स रीड एवरी पॉइंट विद मी। इन द 5th meeting ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द स्वच्छ गंगा मिशन अप्रूव्ड द 10% ऑफ रेट 2033 करोड़ इन बिहार वेस्ट बंगाल एंड यूपी। 8 projects are for reform the basic structure for water and refinement. One project is for development of the ghat and another one is the Ganga Gyan Kendra. ठीक है तो दोस्तों, ईरान में 2 महिलाओं को उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कौन कौन सी 2 महिलाएं हैं, लाया जुनैदी, ये लाया जुनैदी हैं, सॉरी ये मौसमा एबेटकर हैं, ये वाली माउस देखिए आप, ये लाया जुनैदी हैं। 2 महिलाओं को उपराष्ट्रपति
प्रतिनिधित्व किया गया। हालांकि ईरान में 12 उपराष्ट्रपति होते हैं, अब जिनमें से इन दो महिलाओं को नियुक्त किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने 9 अगस्त 2017 को महिलाओं के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अपने मंत्रिमंडल में किसी महिला मंत्री को नामांकित नहीं करने पर सुधारवादियों के निशाने पर आने के एक दिन बाद दो महिलाओं को उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है। वर्ष 1980 में अमेरिकी दूतावास में बंधक संकट के दौरान प्रवक्ता के रूप में अपनी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली माहा अबेडकर को महिला मामलों के प्रभारी के रूप में उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इससे पहले वे हसन रूहानी के कार्यकाल में कार्यालय में पर्यावरण मामले से जुड़ी हुई हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, लाया जोनेदी को कानूनी मामलों के लिए उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये कानूनी मामलों के लिए है और ये पर्यावरण मामलों के लिए। अगली न्यूज है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर पैरालंपिक प्लेयर देवेंद्र पैरालंपिक इनके हाथ नहीं है, इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है, इनका नाम है देवेंद्र झझरिया, जैवलिन थ्रोअर है, जैवलिन थ्रोअर है। ही वन गोल्ड मेडल इन रियो ओलंपिक्स 2016 में, इन्होंने गोल्ड पैरालंपिक्स में इन्होंने गोल्ड जीता। पैरालंपिक्स दिव्यांग है और इनका केवल एक हाथ है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुस्लिम चार निगाह पंजीकृत कर सकेंगे। अभी आप देखना शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है, तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान जो हैं चार शादी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इनके लॉ में चार शादी करने का अधिकार है, इसलिए चार शादी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। महिला कल्याण विभाग की ओर से तैयार सॉफ्टवेयर में सभी धर्मों में शादियों की संख्या के आधार पर फीडिंग की छूट दी गई है। महिला कल्याण विभाग की ओर से 4 अगस्त 2017 को इस सॉफ्टवेयर का ट्रायल रन कराया गया। शादी का रजिस्ट्रेशन करने में धार्मिक रीति रिवाजों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वेबसाइट में मुस्लिमों के लिए चार निगाह के पंजीकरण की व्यवस्था होगी। ठीक है, ऑनलाइन पंजीकृत विवाहों के सर्टिफिकेट ईमेल पर प्राप्त किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त यदि पंजीकरण संख्या याद है तो उसे भी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा अपनी पत्नी, सास ससुर और मां के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे। फॉर्म जमा करने के बाद मोहसिन ने विवाह पंजीकरण को जो कि सरकार का मुस्लिम महिलाओं के लिए सबसे बड़ा तोहफा बताया है। ठीक है, हरियाणा बैंड मोबाइल फोन और टीचर आल्सो। हरियाणा गवर्नमेंट ने टीचरों के लिए भी मोबाइल फोन रखना बैन कर दिया है। इसका उद्देश्य क्या है, टू डेवलप ए क्वालिटी एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग एंड एजुकेशन एंड डिसाइड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टीचर्स। टीचर्स रेस्पॉन्सिबल हो जाएं और इधर उधर की बातें फोन पर ना करें, केवल पढ़ाई पर ध्यान लगाएं, इनका उद्देश्य सुनना है। ऑन 4th August 2017 हरियाणा डिक्लेयर्ड दैट इफ एनी कैरेक्टर एनी टीचर विल वायलेट द ऑर्डर ही विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द पनिशमेंट, यानी सजा का हकदार होगा यदि उन्होंने इसका नियम तोड़ा तो। जस्टिन गैटलिन डिफीट उसेन बोल्ट, ये जस्टिन गैटलिन कह सकते हैं आप यहाँ पे, ये उसेन बोल्ट है। जस्टिन गैटलिन ने उसेन बोल्ट को हरा दिया। जस्टिन गैटलिन युवा है और ये बुढ़ापे की ओर है। ठीक है, विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट को उनके प्रतिद्वंदी जस्टिन गैटलिन ने 6 अगस्त 2017 को आयोजित विश्व चैंपियनशिप में हरा दिया। ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले बोल्ट की अंतिम रेस थी, वे तीसरे स्थान पर रहे। विश्व चैंपियनशिप के दौरान दोस्तों 100 मीटर फर्राटा दौड़ में गैटलिन ने 9.9 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तथा क्रिस्टिलियन कोलमन ने 9.94 सेकंड के साथ रजत पदक जीता, जबकि बोल्ट ने 9.94 सेकंड के साथ कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। मुकाबले के बाद ये देख सकते हैं आप, कैटलिन ने उनके सम्मान में उनके सम्मुख झुककर अभिवादन किया। बोल्ट ने गैटलिन को गले लगाया और कहा, मैं दर्शकों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, हमेशा की तरह बेहतरीन अनुभव रहा। ठीक है, बोल्ट कम्प्लीटेड देख सकते हैं आप, ये 9.94 सेकंड में वन ब्रॉन्ज मेडल जिन्होंने जीता। ठीक है, कैटलिन सैल्यूट टू बोल्ट टू सिट ऑन हिज नी, बोल्ट एम्प्रेस्ड हिम।
दोस्तों अगली खबर जो बिम्स्टेक के बारे में है, बिम्स्टेक का कहाँ पे हुआ, काठमांडू नेपाल में, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है इसको कि बिम्स्टेक की मीटिंग कहाँ पर हुई, नेपाल में हुई। इसके बारे में खबर पढ़ते हैं, 10 अगस्त 2017 को ये हुआ था बिम्स्टेक में, सॉरी बिम्स्टेक, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, वॉज हेल्ड इन साल्टी क्राउन प्लाजा इन काठमांडू। साल्टी क्राउन में हुआ था, साल्टी क्राउन प्लाजा, क्राउन प्लाजा में प्लाजा, तो ये काठमांडू नेपाल में है। द मेन एजेंडा फॉर द मीटिंग वॉज टू फाइनलाइज ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी फ्री ट्रेड यानी कि आपसी देशों के बीच व्यापार हो सके, फ्री व्यापार हो सके और कम से कम मतभेद हो और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो। अमंग द बिम्स्टेक मेंबर्स इंक्लूडिंग नेगोशिएशन ऑन द मार्केट एक्सेस फॉर प्रोफेशनलिज एंड ड्यूटी ऑन ट्रेडिंग गुड्स, ठीक है। इश्यू कंसर्निंग ट्रेड इन द सर्विस एंड गुड्स इन्वेस्टमेंट एंड कनेक्टिंग वर्स आल्सो डिस्कस्ड एट द मीट। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाई एक्सटर्नल अफेयर्स सुषमा स्वराज, वो अराइव एट काठमांडू ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th अगस्त, ठीक है। यानी कि सुषमा स्वराज ने उनका वहाँ पर पहुँच कर उपस्थित दर्ज कराई थी। दोस्तों फेसबुक ने यूट्यूब की तरह इसका कंप्यूटर लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉच। फेसबुक पर जिस तरह हम अपनी वीडियो देखते हैं उस तरह वॉच से भी वीडियो देखते हैं, जो कि वो फेसबुक ने लॉन्च किया है। ए वीडियो प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म वॉच फॉर क्रिएटर्स एंड पब्लिशर्स, वॉच इज एक्सपेक्टेड दैट कंपीट गूगल ऑन यूट्यूब, ठीक है। गूगल का जो यूट्यूब है उसे कम्पीट करने के लिए फेसबुक ने ये लॉन्च किया है वॉच। ये मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे और टीवी पे सभी पे अवेलेबल होगा, ठीक है। दोस्तों यदि इस सप्ताह की खबरें, सभी खबरें करीब 35 खबरें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, प्लीज वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड प्लीज रीड द PDF फाइल केयरफुली प्रोवाइडेड बाई मी, ठीक है। दोस्तों टेक केयर ऑफ यू, गुड नाइट, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यूर फ्यूचर, थैंक यू।